स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी जो अभी पीछे मुरो ट्रेडिंग थी, और मुरो ट्रेडिंग के ठीक एक दिन पहले मार्केट में दबाव था, लेकिन मुरो ट्रेडिंग वाले दिन जो अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला। सभी ने देखा होगा अभी, क्योंकि मुरो ट्रेडिंग के ऊपर जो लोग हैं वो खरीदने के बारे में सोचते हैं कि अगले एक साल के लिए यहाँ से हम अपना जो भी पैसा वो लगाने के बारे में सोच रहे हैं, भी हमारी ये मुरो ट्रेडिंग होगी। ठीक है, दीपावली के ऊपर हम जो ना भी कुछ एक शेयर लेके रखेंगे अगले दीपावली तक, ऐसी भी सोच होती है लोगों की। तो उन्होंने उस प्रकार की सोच के साथ एक अच्छी बाइंग क्रिएट हुई हमारे मार्केट में, और उसके चलते मार्केट काफ़ी अच्छा एक्शन में रहा, और पीछे ग्राउंड भी थी ना मार्केट में, तो इसलिए यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए। तो आगे के कैसे माहौल बन सकते हैं, कल के मार्केट में किस प्रकार का माहौल बनेगा, ये सभी के मन में टेंशन अभी के टाइम बनी हुई। तो डाटा वगैरह देखेंगे भी, FIDI का डाटा कैसा रहा है। ठीक है, FIDI एक दिन पहले कैसा रहा था और अभी फ्राइडे के दिन कैसा रहा, दीपावली के दिन वो डिस्कस करेंगे मुरो ट्रेडिंग वाले दिन। तो चलिए देख लेते भी, सबसे पहले आप लोग जो फ्यूचर इंडेक्स है अगर वो बात करें तो निफ्टी फ्यूचर के अंदर आप लोग देखोगे हमें अभी के टाइम दबाव देखने को मिल रहा है। अभी हल्की सी गिरावट, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, हल्की सी गिरावट है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी हल्की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी में भी आप लोग देखो जो फ्यूचर मार्केट है ये वो है भाई, यहाँ पर भी हमें दबाव दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए US की तो S&P 500 आप लोग देखोगे वो दबाव में दिखाई दे रहा है, सॉरी विक्स इसका वो नीचे में है। CSE इनमें भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली रही है, और जो ये यूरोपियन मार्केट है इनके अंदर S&P 500 में आप लोग देखोगे अभी टाइम अच्छा एक्शन हो सकता है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो भी ग्लोबल मार्केट है अभी टाइम कैसा हाल था। पीछे 2 तारीख को डाओ जोन्स में भी काफ़ी शानदार एक्शन हमें देखने को मिला, और एक अच्छी तेजी के साथ हमें जो अभी क्लोजिंग लेते हुए नजर आया। अभी इसके साथ जो S&P 500 में भी अच्छी तेजी थी, 0.1% के नैसडेक में तेजी थी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स की भी क्लोजिंग काफ़ी शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग आते हुए नजर आई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी एशियन मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग लिया, निकेई में आप लोग देखो बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि जो एशियन मार्केट है वो हमें लगभग दबाव में दिखाई दिया, हैंगसेंग की मार्केट को छोड़कर और सभी में दबाव रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे जो ADR अभी के टाइम वो किस प्रकार से क्या ट्रेड कर रहे हैं, एक्सिस बैंक ADR अभी पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है, अभी 1 तारीख का डाटा ये बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके अलावा आप लोग देखोगे HDFC बैंक ADR आपको ये भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक ADR की बात करती है हल्की सी गिरावट में, इन्फोसिस में गिरावट है 0.1% के करीब, एंड विप्रो में आप लोग देखो तेजी है, यानी कि ADR से ठीक संकेत आ रहे हैं। अभी आप लोग देखो मार्केट्स में हम ये नहीं कह सकते थे एक तरफा तेजी के संकेत है या फिर एक तरफा गिरावट के संकेत है। जो फ्यूचर है निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर वो नेगेटिव चल रहे हैं, हल्की गिरावट है 4-5 पॉइंट की 6 पॉइंट की, तो उसको लेकर हमें परेशान भी नहीं होना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अब जो FIDI उनका डाटा। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे मुरो ट्रेडिंग के दिन जो 1 तारीख को डाटा हमें देखने को मिला है, FII की तरफ से भी बिकवाली हुई है अभी 212 करोड़ के करीब, और DII की तरफ से भी 377 करोड़ के करीब बिकवाली हुई है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ भी 1 तारीख की, तो सॉरी 1 तारीख से पहले की आप लोग देखोगे वहाँ पर हमें जनाबी 31 तारीख की अगर बात करें तो 31 तारीख को भारी बिकवाली हुई थी जो FII उनकी तरफ से, यानी कि अक्टूबर मंथ में भी ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन खरीदारी हुई हो। इसके अलावा जो नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, हालांकि पॉजिटिव ओपनिंग हुई है मार्केट की, पॉजिटिव क्लोजिंग आते हुए नजर आई है 1 नवंबर को मुरो ट्रेडिंग वाले दिन, लेकिन जो FII है उनकी तरफ से तो बिकवाली हुई है। तो ये टोटल अपडेट अब तक का रहा है डाटा भी, लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा उसके ऊपर कहना मुश्किल है अभी। तो चलिए पर चार्ट के ऊपर सपोर्ट वगैरह देख लेते हैं निफ्टी के। अगर बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो सबसे पहले मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ भी जो मेन चार्ट पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर हुआ, और इसका जो अभी नीचे में ब्रेकडाउन हुआ पड़ा है। जब तक ये स्टॉक जो निफ्टी है सॉरी ये 24750 के ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको बिल्कुल भी जो अभी बुलिश नहीं मानने वाले हैं। मैंने पीछे भी आपको समझाया था इसके बारे में कि निफ्टी का 24750 के ऊपर में टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर करंट भाव से आप लोग देखोगे तो निफ्टी का ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो रहेगा अभी 24368 का। ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है निफ्टी तो ऊपर में हमें जो ना अभी इसके अंदर 24596 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। नीचे में अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो आप लोग देखोगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है निफ्टी का वो रहेगा करीब 24174 का। इससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो भी इससे पहले जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है इसका जो 200 MA है वो है लगभग 200
58 जी हाँ 24258 ये भी सपोर्ट के तौर पर हम लेवल को लेके चल सकते हैं। तो ये टोटल लेवल्स रहने वाले हैं अभी सपोर्ट के तौर पर जिसे हम पकड़ना चाहेंगे नीचे में 24258 और 24174। ठीक है 24258 कटा तो 24174 तक भी मार्केट नीचे में रिट्रेस कर सकता है। और बाकी आप लोग देखोगे अगर ऊपर में एक्शन बनेगा तो 24368 के ऊपर में निकलने के बाद। ठीक है तो ये टोटल अपडेट है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।